कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लैपलेस ट्रांसफॉर्म की कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम पढ़ेंगे। कॉन्वोल्यूशन सबसे पहले तो होता क्या है, जैसे F1 और F2 का कॉन्वोल्यूशन या फिर F2 और F1 का कॉन्वोल्यूशन किस तरीके से डिनोट करते हैं, बीच में स्टार लगा देंगे दोनों फंक्शंस के, इसका मतलब है कॉन्वोल्यूशन है दोनों फंक्शंस का। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, F1u into F2t minus u, इन दोनों ही फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन को आप इंटीग्रेट कर दें 0 से t विद रिस्पेक्ट टू du। ठीक है, ऐसे ही F2u into F1t minus u, मतलब चाहे पहले F1 लिख लो चाहे पहले F2 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पहले F1 था यहाँ F1 बाद में है, यहाँ F2 पहले था यहाँ F2 बाद में है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें आपस में इक्वल है। क्या करना है, F2 into F1t minus u को इंटीग्रेट कर देना है 0 से t du की रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आपका ये बेसिकली कॉन्वोल्यूशन इसको बोलते हैं। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मुश्किल इन्वर्स हमें अगर निकालने हैं, काफ़ी सारे इन्वर्स हैं जो हम इजीली नहीं निकाल पाते नॉर्मल तरीके से, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि F1t का लैपलेस क्या है, F1s, और F2t का लैपलेस भी आपको पता है F2s। ये दोनों फंक्शंस जो दोनों का ही लैपलेस है वो मल्टीप्लिकेशन में अगर पड़े हैं और फिर आपको इनवर्स निकालना हो, क्या मतलब हुआ, F1s का अगर अलग से इनवर्स पूछा था आप बता देंगे F1t, F2s का अलग से इनवर्स पूछा होगा आप बता देंगे F2t है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में होगा और उसके बाद इनवर्स आपसे पूछा होगा तब आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे। और क्या आंसर होगा इनवर्स का, इंटीग्रेट करना है 0 से टी F1u, बेसिकली यही जो फंक्शन है आपका, इनटू F2t माइनस u, ठीक है, जो आपका ये फंक्शन है इंटीग्रेट कर देना है 0 से t du के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले ये वाला फंक्शन लिख लो F2u और फिर ये वाला लिख लो F1t माइनस u, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अब जैसे आपको इसका लैपलेस इनवर्स निकालना है 1/s² + a² का होल स्क्वायर, अब इसका लैपलेस इनवर्स निकालना वैसे आपको बहुत दिक्कत आएगी लेकिन कॉन्वोल्यूशन से बहुत आसान ही हो जाएगा। कैसे, ये इसी का तो बेसिकली लैपलेस इनवर्स निकालना है आपको, a² + a² × 1/s² + a², ठीक है, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन का लैपलेस इनवर्स आपको निकालना है। आपको इसका भी अलग से लैपलेस इनवर्स पता है और इसका लैपलेस इनवर्स भी आपको अलग से पता है। इसका लैपलेस इनवर्स होता क्या है, अलग से अगर आपको लिखना हो, आप इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएं, इक्वल टू आप मत लगाएं, आप पहले इसका सिंगल वाले का क्या लैपलेस इनवर्स होता है ये आप लगा लें, 1/a sin at लैपलेस इनवर्स होता है इसका भी और इसका भी। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन का हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोनों की मल्टीप्लिकेशन का लैपलेस इनवर्स, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके टी की जगह यू रख देंगे अंदर। ठीक है, क्योंकि बाद में इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तब तो टी आ ही जाएगा, लेकिन टी की जगह यू रख देंगे, sin a u by a into sin a, और t माइनस u हम कर देते हैं इस तरीके से अपॉन a, इसको इंटीग्रेट करना है d। तो अब आपको ये इंटीग्रेट जब आप कर लेंगे तो आपका लैपलेस इनवर्स आ जाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम देखें तो इसका लैपलेस इनवर्स हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका लैपलेस इनवर्स, वैसे निकालने में तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी लेकिन कॉन्वोल्यूशन का यूज कर लेंगे, s/s² + a² × s/s² + b². अब हमें इसका लैपलेस इनवर्स भी पता है और इसका लैपलेस इनवर्स भी पता है, इसका लैपलेस इनवर्स होगा cos at, इस तरीके से मैं इनफॉर्मली थोड़ा लिख देता हूँ, एग्जाम में आप साफ साफ लिख सकते हैं, और इसका लैपलेस इनवर्स होगा cos bt। ठीक है, तो इस पूरी टर्म का लैपलेस इनवर्स आप कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t cos au × cos bt − u इस तरीके से, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू du, जो भी इसका इंटीग्रेट करके आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन वाली फॉर्म में, ये साइन प्लस साइन कुछ और इस तरीके से, फिर आप दोनों को बेसिकली अलग अलग इंटीग्रेट इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री की अगर आइडेंटिटीज आती हैं तो बहुत आसानी से इसको इंटीग्रेट आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं, कॉन्वोल्यूशन का बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच।